नमस्कार शरण, आज की जो मैं वीडियो में आपको लेकर के आया हूँ ये एक हम लोग नए डोंगल के बारे में लेकर के आए हैं, या आप ऐसा कह सकते हैं नए सॉफ्टवेयर टूल के बारे में लेकर के आए हैं जिसमें सॉफ्टवेयर संबंधित जो भी सारी प्रॉब्लम आती हैं वो जैसे मैंने आपको पिछले डोंगल के बारे में मैंने आपको सिखाया था कि जो UMT प्रो डोंगल आता है उस डोंगल के माध्यम से कितना आसान तरीके से मोबाइल फ़ोन को इजीली तरीके से मोबाइल फ़ोन में अनलॉकिंग है, फ्लैशिंग है, या ऐसी जो भी सारी प्रॉब्लम आती है उन सारी प्रॉब्लम को वन बाय स्टेप हम लोग रिपेयर करना सीखते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि हमारे पास जो मेडिकल थंडर एक डोंगल आता है, मेडिकल थंडर डोंगल के माध्यम से कैसे मोबाइल फ़ोन में हम लोग अनलॉकिंग करेंगे, मोबाइल फ़ोन में फ्लैशिंग करेंगे, मोबाइल फ़ोन में सॉफ्टवेयर डालेंगे, या इस डोंगल के बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहली बात क्या है, आज का जो टॉपिक है, आज के टॉपिक में जो हम लोग सीखने वाले हैं ये मेडिकल थंडर डोंगल के बारे में, कि मेडिकल थंडर जो डोंगल है उसका हम लोग कैसे यूज करेंगे। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको पूरा डिटेल में अच्छे से समझाता हूं ताकि आपको सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो पाए। तो दोस्तों, मेरा नाम राघवेंद्र और मैं ईटेक इंस्टीट्यूट कानपुर से बात कर रहा हूं, जहां पर आपको मोबाइल फ़ोन है, लैपटॉप है, इस तरीके से टेक्निकल रिपेयरिंग के कोर्स आपको सिखाए जाते हैं। आपको बेसिक लेवल से लेकर स्मार्टफोन, एंड्रॉयड मोबाइल, जितने भी सारे मोबाइल फ़ोन आते हैं सभी तरह की आपको ट्रेनिंग दी जाती है। मात्र यहां पर पूरा 45 दिन का कोर्स होता है, 45 दिन के अंदर फुल डे पूरा ट्रेनिंग का प्रोग्राम होता है। पूरे जितने भी सारे मोबाइल फ़ोन आते हैं सभी मोबाइल फ़ोन में रिपेयर करने के बारे में आपको सिखाया जाता है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग चलते हैं एक नए डोंगल की तरफ। आज हम लोग जो सीखने वाले हैं मेरिकल थंडर, हमारे पास एक सॉफ्टवेयर टूल आता है जिस सॉफ्टवेयर टूल का नाम क्या होता है, मेरिकल थंडर। मेरिकल थंडर के माध्यम से जो भी मोबाइल फ़ोन आते हैं तो सारे मोबाइल फ़ोन का अनलॉकिंग फ्लैशिंग कैसे किया जाता है इसके बारे में। सबसे पहली बात क्या है, ये डोंगल दिखता कैसे है। अगर डोंगल की बात करेंगे, मैं आपको थोड़ा सा इसका व्यू दिखाता हूँ। अगर आप गूगल पे जाने के बाद जैसे आप गूगल पे सर्च करेंगे मेरिकल थंडर, ये मेरिकल थंडर जो होता है, अगर हम इमेज थोड़ा सा फोटो दिखाते हैं आपको कैसा दिखता है। ये हमारा पहले एक सॉफ्टवेयर का एक छोटा सा बॉक्स आता था, ऐसा इस तरीके से हमारा बॉक्स आता था, लेकिन अब कंपनी ने क्या कर दिया, कंपनी ने इसको बहुत छोटा कर दिया है। कंपनी ने छोटा करने के बाद उसको छोटा सा डोंगल के रूप में ऐसा बना दिया है। इस तरीके से छोटा सा डोंगल के रूप में बना दिया गया है। इस डोंगल को हमको USB की तरह डोंगल होता है, इसको अपने सिस्टम में क्या कर देते हैं, सिस्टम में कनेक्ट कर देते हैं। जैसे सिस्टम में कनेक्ट कर देंगे, बस आपका मेडिकल थंडर का जो सॉफ्टवेयर होता है, इस तरीके का जो सॉफ्टवेयर आता है, ये सॉफ्टवेयर आपकी स्क्रीन में क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। जब आपके सॉफ्टवेयर स्क्रीन में ओपन हो जाएगा तो आपका काम करना शुरू कर देगा। लेकिन मैं आपको जो बताने चाहता हूँ, आज जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ वो मेडिकल थंडर क्रैक के बारे में आपको बताने वाला हूँ। जो मेडिकल थंडर का क्रैक जो है 2.8 वर्जन, सेम जैसे 2.8 चलता है आजकल, अगर इसका लेटेस्ट देखा ही है तो 3.4, 3.7 कई सारे लेटेस्ट वर्जन आ चुके हैं। तो हम लोग इसको चलिए सीखते हैं कि इसको यूज कैसे करेंगे, इस डोंगल को चलाएंगे कैसे, इस डोंगल को कैसे चालू किया जाएगा। और एक चीज़ और सीखने वाले हैं कि इस डोंगल को हम लोग इंस्टॉल कैसे करेंगे, इंस्टॉल करने के साथ साथ इसको क्रैक कैसे किया जाता है, क्योंकि हमारे पास मेडिकल थंडर का 2.8 वर्जन जो है वो क्रैक वर्जन है। ये क्रैक वर्जन कैसे चालू किया जाता है, क्रैक वर्जन के माध्यम से कैसे हमारे मोबाइल फ़ोन की रिपेयरिंग करी जाती है, इसमें हम आपको वीडियो में स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे। सबसे पहली बात क्या है, चलिए दोस्तों सीखते हैं इसको डाउनलोड कैसे करते हैं। डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल पर जाना होता है। गूगल में आप टाइप करेंगे मेडिकल थंडर सेटअप, मेडिकल थंडर लेटेस्ट वर्जन। जैसे आप इसमें क्लिक करेंगे, आप आल पे क्लिक करेंगे, आपका खुल के आ जाएगा मेडिकल थंडर लेटेस्ट वर्जन। अगर आप देखेंगे मेडिकल बॉक्स सेटअप 3.4 लेटेस्ट वर्जन है, आप इसमें से क्लिक करेंगे,
जैसे आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद ये डाउनलोड करने के लिए आ जाएगा। इसे आप क्या करेंगे, डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद आप इसमें क्या क्या काम कर सकते हैं, देखिए इसमें सारा सब कुछ पूरा लिखा हुआ है। फीचर मेडिकल टूल, मेडिकल टूल के फीचर, आप मेडिकल टूल में क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो आप मोबाइल फ़ोन में, थोड़ा सा मैं और ऊपर करके आपको बताता हूँ क्या क्या काम कर सकते हैं इसके बॉक्स के माध्यम से। सबसे पहला क्या काम कर सकते हैं, FRP को बाईपास कर सकते हैं, मोबाइल फ़ोन में फ्लैशिंग कर सकते हैं, फ़ोन को रूट कर सकते हैं, नेटवर्क प्रॉब्लम को रिपेयर कर सकते हैं, IMEI नंबर रिपेयर, फॉर्मेटिंग है, रीड राइट ऑप्शन है, डायरेक्ट क्लीनिंग पासवर्ड है, क्लियर प्राइवेट कोड है, रीसेट यूजर कोड है, ETC। बहुत सारे मोबाइल फ़ोन में फ़ीचर होते हैं जो हम कर पाते हैं, जिसके माध्यम से मोबाइल फ़ोन में लॉकिंग करना, अनलॉकिंग करना, फ्लैशिंग करना, बहुत सारी IMEI नंबर को रिपेयर करना, ये सारी प्रॉब्लम को हम इसके माध्यम से कर पाते हैं। तो ये हमारा जो सॉफ्टवेयर है इसके हम लोग क्या करेंगे, इसे हम लोग सेटअप को डाउनलोड कर लेते हैं। जैसे आप सेटअप में क्लिक करेंगे, सेटअप में क्लिक करने के बाद ये डाउनलोड का ऑप्शन खुल जाएगा, आप इसको डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद आप यूज करेंगे। लेकिन हम लोग जो आज सीखने वाले हैं, आज इस वीडियो में जो हम बताने वाले हैं वो मेडिकल थंडर क्रैक मेडिकल थंडर का जो 2.8 जो क्रैक वर्जन होता है उसको हम लोग यूज करने वाले हैं। ये इसमें आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपको इंटरनेट के माध्यम से मिल जाएगा। आप इसे आसानी से क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, डाउनलोड कर लेंगे। मैंने डाउनलोड करके अपने स्क्रीन में ऑलरेडी पहले से रखा हुआ है ताकि इसे यूज कैसे करेंगे, वरना इसको डाउनलोड करने में 800 MB का होता है, डाउनलोड करने में थोड़ा समय लगता है। आप इसको आसानी के साथ में डाउनलोड कर लेंगे। अगर आप डाउनलोड करने से नहीं मिलता तो इसका लिंक जो है मेरे वीडियो में पड़ा हुआ है, आपको वहां से मिल भी जाएगा। अब हम लोग चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। मेडिकल थंडर को कैसे इंस्टॉल किया जाएगा, कैसे चलाया जाएगा, इन सब चीजों के बारे में हम लोग समझेंगे। ये हमारी कंप्यूटर स्क्रीन ओपन हो गई है। सबसे पहली बार मेडिकल थंडर को चालू करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मेडिकल थंडर को सेटअप को ओपन करना पड़ेगा। आपको माय कंप्यूटर में जाएंगे, माय कंप्यूटर के अंदर डी के अंदर जाएंगे, डी के अंदर ईटेक सॉफ्टवेयर में जाएंगे, ईटेक सॉफ्टवेयर के अंदर देखेंगे ये मेडिकल थंडर, ये मेडिकल थंडर का जो सेटअप बॉक्स है ये मेरे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है। हम लोग इसको इंस्टॉल करेंगे। कैसे इंस्टॉल करेंगे, मैं आपको इंस्टॉल करने का तरीका समझाता हूँ। सेटअप को सबसे पहले क्लिक करेंगे, जब आप इसको क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद ये आपकी स्क्रीन में सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। ये सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर ओपन होने में थोड़ा समय लगता है। अगर आप देखेंगे 814 MB का सॉफ्टवेयर है। यस, जैसे ही आप यस करेंगे तो यस करने के बाद आपकी स्क्रीन में सॉफ्टवेयर खुल करके आ जाएगा। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होने में थोड़ा समय लगता है, 5 मिनट से लेकर 10 मिनट तक का समय लग सकता है अप्रॉक्सीमेटली। डिपेंड करता है आपके सिस्टम के परफॉर्मेंस के ऊपर कि आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस कितनी है, कैसी है। ये देखिए, तो सबसे पहले मेडिकल थंडर ऑफिशियल सेटअप ओपन हो चुका है। प्लीज़ सेलेक्ट लैंग्वेज, आप इसमें कौन से लैंग्वेज सेलेक्ट करना चाहते हैं कर सकते हैं। ओके करेंगे, ये इंस्टॉल करने के लिए बोलेगा। भाई ये सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम में इंस्टॉल होना चाहता है, आप इसको परमिशन दीजिए। नेक्स्ट करेंगे। ये GSM टीम से एग्रीमेंट है, जैसे डोंगल में एग्रीमेंट हो जाता है कि आप इसमें क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, क्या क्या सारी बातें हैं, वो सब चीज़ें इसमें लिखा हुआ है। देखिए, उसके बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट क्रिएट ए डेस्कटॉप शॉर्टकट, मतलब आप डेस्कटॉप में शॉर्टकट बनाना चाहते हैं। नेक्स्ट करेंगे, इंस्टॉल करेंगे। जैसे आप इंस्टॉलेशन करेंगे आपके सिस्टम में इंस्टॉलेशन चालू हो जाएगा। ये सॉफ्टवेयर है आपके स्क्रीन में पूरा इंस्टॉल होकर के, सेटअप इंस्टॉल होकर के आपके डेस्कटॉप में आ जाएगा। जब डेस्कटॉप में इंस्टॉल होकर के आ जाएगा तो इसके माध्यम से कैसे मोबाइल फ़ोन में सॉफ्टवेयर करे जाएंगे मैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगा, और इस मेडिकल थंडर को सेटअप को यूज कैसे किया जाएगा, इसको ऑपरेट कैसे किया जाएगा, इसके माध्यम से कैसे मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग करी जाएगी। जैसे मैंने आपको डोंगल के बारे में आपको पूरा डिटेल में बताया है, ऐसे मैं इसको भी आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा, ताकि जो लोग ऐसे स्टूडेंट हैं जो मेडिकल थंडर का सेटअप उनके पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है
या नहीं पैसा है फिर भी सॉफ्टवेयर का काम करना चाहते हैं तो वो इस क्रैक के माध्यम से काफ़ी हद तक सॉफ्टवेयर की रिपेयरिंग कर सकते हैं। उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा, बहुत आसान रहेगा, आसान तरीके से मोबाइल फ़ोन में प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। ये जब हम आपको दोस्तों मेडिकल थंडर के बारे में बता देंगे उसके बाद फिर हम लोग आगे अनलॉक टूल के बारे में सीखेंगे कि अनलॉक टूल को कैसे चलाया जाएगा या अनलॉक टूल के माध्यम से कैसे मोबाइल फ़ोन में सॉफ्टवेयर की रिपेयरिंग करी जाएगी या अनलॉक टूल के माध्यम से कैसे मोबाइल फ़ोन के अंदर जो MI अकाउंट है उनको हटाया जाएगा, MI अकाउंट को रिमूव किया जाएगा, ये सारी चीज़ें हम लोग बात करेंगे। तो हमारे सिस्टम की बैटरी बंद हो गई है, इस कारण से हमारा लैपटॉप बंद हो गया है। हम लोग इसको चार्जिंग पर लगाते हैं, चार्जिंग पर लगाने के बाद मैं आपको इंस्टॉल करना समझाता हूँ। तो ये हमारा सिस्टम में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो रहा है, हम लोग थोड़ा सा वेट करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होने में थोड़ा 5 मिनट 10 मिनट का समय लगता है। तो ये सॉफ्टवेयर जब प्रॉपरली तरीके से इंस्टॉल हो जाएगा तो इंस्टॉल होने के बाद आपके स्क्रीन में आ जाएगा, डेस्कटॉप स्क्रीन में आ जाएगा। फिर इसको कैसे यूज करेंगे हम आपको बताते हैं स्टेप बाय स्टेप। ये जो मेडिकल थंडर का जो सॉफ्टवेयर होता है जैसे हमारा UMT प्रो होता है उसमें क्या रहता है कि क्वालिकॉम का अलग खुल करके आता है, MediaTek का अलग खुल करके आता है, SPD का अलग होता है, GSM का अलग खुल के आता है। लेकिन इसमें फिलहाल ऐसा कहीं कुछ नहीं होता, इसमें क्या रहता है एक ही सॉफ्टवेयर का पॉस खुल करके आता है। उस सॉफ्टवेयर के पॉस के अंदर आप जितने भी सारे मोबाइल फ़ोन आते हैं सारे मोबाइल फ़ोन में आप क्वालिकॉम करना तो क्वालिकॉम को सिलेक्ट कर लीजिए, MediaTek करना तो MediaTek को कर लीजिए, SPD करना तो SPD कर लीजिए, Samsung करना तो Samsung कर लीजिए, मतलब जो भी मोबाइल फ़ोन को करना है वहाँ पर सामने बिल्कुल स्क्रीन पर आते हैं, वन बाई वन करके क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के बाद आप उनको आसानी से मोबाइल फ़ोन में फ्लैश रिपेयर कर सकते हैं। तो ये हमारा जब पूरा सेटअप इंस्टॉल हो जाएगा, इंस्टॉल होने के बाद हमारी स्क्रीन पे आ जाएगा, हमारी स्क्रीन पे आने के बाद फिर हम लोग इसको यूज करना सीखेंगे। फिनिश, जैसे आप इसको क्लोज करेंगे ये सॉफ्टवेयर आपके स्क्रीन में इंस्टॉल होके आ गया है। आप इसे ओपन करेंगे, जब आप इसे ओपन करेंगे तो ओपन करने के बाद आपके स्क्रीन में खुल जाएगा। स्क्रीन में खुलने के बाद आप उसको पूरा यूज करेंगे। इसको पहले स्टेप बाय स्टेप ओपन हो जाने दीजिए, जब ओपन हो जाएगा तो ओपन करने के बाद ही हम इसको यूज करेंगे। चलिए तो ये देखिए हमारा सॉफ्टवेयर ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर बात आती है कि हमारा सॉफ्टवेयर ओपन हो चुका है, सॉफ्टवेयर ओपन होने के बाद अब हमको क्या करना है, इसमें हमको इसको क्रैक करना है। क्या करना है दोस्तों, क्रैक करना है। अब क्रैक कैसे करना है, जब हमारा जो ये वर्जन होता है इसको क्रैक करने के लिए जब आप क्रैक करेंगे तो देखिए इसमें स्टार्ट बटन हाईलाइट नहीं है, स्टार्ट बटन हाईलाइट नहीं, जैसे स्टॉप वाला हाईलाइट है ना उसी तरीके से स्टार्ट बटन को भी हाईलाइट होना पड़ेगा। जब स्टार्ट बटन हाईलाइट होगा तभी आप इस टूल का यूज कर पाएंगे, तभी यूज कर सकते हैं। चलिए हम लोग सीखते हैं कि इसको हाईलाइट कैसे किया जाएगा और इसको क्रैक कैसे किया जाएगा। मेडिकल थंडर को क्रैक करने के लिए मैं आपको नोट भी कर दूंगा, स्टेप बाय स्टेप आपको बता भी दूंगा इसको क्रैक कैसे किया जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे सॉफ्टवेयर है, इस सॉफ्टवेयर में क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, ऐसे राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद आपको ओपन फाइल लोकेशन में जाना है। कहाँ पर जाना है, ओपन फाइल लोकेशन। जब ओपन फाइल लोकेशन में चले जाएंगे तो उसके बाद सबसे ऊपर आपका फीचर आएगा, बॉक्स डाटा नाम से फीचर आएगा। बॉक्स डाटा के अंदर एक हैंडल नाम से फाइल आएगी, कौन सी फाइल आएगी दोस्तों, हैंडल नाम की फाइल। मैं इस फाइल को थोड़ा सा हाईलाइट भी कर देता हूं आपको, ये इस फाइल को आपको क्या कर देना है, शिफ्ट के साथ में डिलीट करना है। आप कहते हो सर जी शिफ्ट के साथ में क्यों डिलीट कर रहे हैं, शिफ्ट के साथ में हम लोग इसलिए डिलीट कर रहे हैं ताकि ये जो फाइल है ये आपकी परमानेंट डिलीट हो जाएगी।
परमानेंट रिमूव, मतलब ये फाइल आपकी परमानेंट रिमूव हो जाएगी। जैसे ही परमानेंट आपकी ये फाइल रिमूव हो जाएगी, तो फाइल रिमूव होते ही आपके उसमें स्टार्ट बटन हाईलाइट हो जाएगा। आपके मेडिकल सेंटर के अंदर स्टार्ट बटन है, वो स्टार्ट बटन हाईलाइट हो जाएगा। जैसे स्टार्ट बटन हाईलाइट हो जाएगा तो आप इसको यूज कर सकते हैं। तो ये इसका क्रैक करने का तरीका है। हमने फाइल को लिया, हमने अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर शिफ्ट दबा लिया। शिफ्ट दबाने के बाद इसमें क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो इस फाइल को डिलीट करेंगे। देखो डिलीट करते ही क्या बोला है, आर यू श्योर यू वांट टू द परमानेंट डिलीट दिस फाइल, यस। जैसे ही यस करेंगे तो आपकी फाइल परमानेंटली क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी, यहाँ से हैंडल फाइल हट जाएगी। आप इसको क्लोज करेंगे। क्लोज करने के बाद फिर से आप अपने सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे। अब जब सॉफ्टवेयर ओपन होगा तो आपका स्टार्ट बटन हाईलाइट हो चुका होगा। देखिए हमारा सॉफ्टवेयर जब ओपन होगा तो स्टार्ट बटन हाईलाइट होगा। ये देखिए, तो यहां पर देखिए ये स्टार्ट बटन आपका क्या है, हाईलाइट हो चुका है। ये स्टॉप बटन, ये स्टार्ट बटन, देखो लिख कर क्या रहा है, स्टॉप स्टार्ट। पहले हाईलाइट नहीं हो रहा था। क्यों हाईलाइट नहीं हो रहा था, क्योंकि पहले हमारा टूल काम नहीं कर रहा था। जब मैंने इसको क्रैक किया, तब क्रैक करने के बाद तब हमारा मेडिकल थंडर काम किया है। तो मैंने आज आपको दोस्तों बताया कि किस तरीके से मेडिकल थंडर को क्रैक किया जाएगा, मेडिकल थंडर को क्रैक करने का तरीका क्या है, और क्या तरीका होता है जो स्टेप बाय स्टेप हम लोग मेडिकल थंडर को आसानी से हम लोग क्रैक कर पाते हैं। तो आज की दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। किस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताया है किस तरीके से आपके पास जो भी मोबाइल फोन आते हैं उस मोबाइल फोन के अंदर हम लोग मेडिकल थंडर जो डोंगल आता है, मेडिकल थंडर डोंगल का हम लोग कैसे यूज करेंगे, कैसे यूज करने के बाद उसका सॉफ्टवेयर जो क्रैक सॉफ्टवेयर है उस क्रैक सॉफ्टवेयर को कैसे यूज करेंगे, क्रैक सॉफ्टवेयर में यूज करने के बाद उस क्रैक सॉफ्टवेयर की वजह से हम मोबाइल फोन के अंदर अनलॉकिंग फ्लैशिंग कैसे कर सकते हैं। तो आज की दोस्तों मैंने आपको वीडियो में मैंने आपको समझाया है कि मेडिकल थंडर का यूज कैसे किया जाता है। इस मेडिकल थंडर यूज करने के बाद आप उसके कैसे यूज करेंगे, उसका यूज करने का तरीका क्या होगा, कौन से स्टेप में कौन सा मोबाइल फ़ोन ओपन होगा, या कौन से स्टेप में कौन सा मोबाइल फ़ोन में लॉक किया अनलॉकिंग करी जाएगी, फ्लैशिंग करी जाएगी, वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तो आज की वीडियो में दोस्तों मैंने आपको बताया कि मेडिकल थंडर क्या यूज है, मेडिकल थंडर का सेटअप कैसा दिखता है। ये थंडर सेटअप की बात करें, देखिए हमारे पीछे स्क्रीन पे हमारा सेटअप है, हमारे सॉफ्टवेयर है, ये सॉफ्टवेयर कैसे ओपन होता है, ये सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है, इसका वर्किंग का तरीका क्या है, ये आज मैं आपको आगे स्टेप बाय स्टेप आपको वीडियो में मैं आपको दूंगा। तो आज की वीडियो आपको दोस्तों कैसे लगी, आपको वीडियो में क्या सारी चीज़ें समझ में आई, और आपको डोंगल टूल के बारे में कैसे यूज करना है या उनको क्या यूज करने का तरीका है, वो आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप मैं आपको दोस्तों मैं आपको समझा रहा हूँ। तो जितने भी सारे जो स्टूडेंट हैं जो मोबाइल फ़ोन में सॉफ्टवेयर रिपेयरिंग पे अगर महारत हासिल करना चाहते हैं या सॉफ्टवेयर रिपेयरिंग में काम करना चाहते हैं तो वो लोग इन सब टूलों को ले सकते हैं। टूलों को लेने के बाद आसानी से मोबाइल फ़ोन में सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम को रिपेयर कर सकते हैं। मैं आज आपको वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूँ जो ऐसे लोग हैं मेरे पास, अभी जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने डोंगल के बारे में आपको सिखाया है, एक मेरे पास झिझक के रहने वाले थे और वो मेरा YouTube के माध्यम से काफ़ी सारा वीडियो देख रहे थे, उन्होंने 8-10 साल हो गया मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग करते करते। अगर आप सर वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट जरूर करिएगा ताकि आप लोगों को पता भी चले कि आप वीडियो वॉच कर रहे हैं, वॉच करने के बाद आपको कितना हेल्प मिल रहा है। तो वो सर मेरे पास आए और आने के बाद आज से पहले उन्होंने कभी मेरे को लाइफ में नहीं देखा था या हमने भी उनसे कभी नहीं मिला था, सिर्फ एक बार फ़ोन से बात हुई थी, उन्होंने किसी काम के लिए हमसे पूछा था, हमने उनको बताया था तो उनको इतना अच्छा लगा। और दूसरी बात के वीडियो से कह रहे हैं कि सर हमको इतना हेल्प मिला कि मैं 10-12 साल हो गए मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग करते करते, हार्डवेयर का ही काम करते थे, सॉफ्टवेयर काम करने के लिए कहीं दूसरी जगह करवाते थे, क्योंकि सॉफ्टवेयर का काम मैंने करना छोड़ दिया था। इसलिए करना छोड़ दिया था क्योंकि एक समय ऐसा था कि मैं सॉफ्टवेयर के लिए उस समय पर नोकिया का जमाना था, 2010 या 11 की बात थी, उस समय पर कोई मार्केट में सॉफ्टवेयर का काम जो करते थे तो उनसे उनके पास सॉफ्टवेयर करा ले जाते थे। तो उन्होंने बोला कि एक काम करिए भैया हमको सॉफ्टवेयर दे दीजिए। जब उन्होंने सॉफ्टवेयर मांगा तो उनको सॉफ्टवेयर उन्होंने प्रोवाइड करा दिया, सॉफ्टवेयर दे दिया कि लो भैया 10,000-8,000 का सॉफ्टवेयर है, ले जाइए आप इसके माध्यम से मोबाइल फ़ोन में सॉफ्टवेयर की रिपेयरिंग करिए जा करके। वो सॉफ्टवेयर ले गए, लेने के बाद कह रहे सर मेरे पास ऐसे ही बहुत सारी केबल थी, बहुत सारी चीज़ें थी, मुझे दे दी,
तो मुझे ऐसा लगा कि मैं उसे यूज किया, थोड़ा बहुत तो यूज किया, लेकिन फिर मुझे समझ में नहीं आया। उन्होंने मुझे समझाया भी नहीं, बताया भी नहीं, दे दिया, ले गए, मेरा पैसा भी चला गया, 10-12 हज़ार रुपये चला गया, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि एक बिजनेस आदमी होता है, बिजनेस आदमी के लिए, बिजनेस मैन के लिए 10-12 हज़ार 15 हज़ार चला जाता तो कोई उसके लिए बड़ी बात नहीं होती, लेकिन बड़ी बात उसके लिए सबसे बड़ी होती है समय, जो अपना समय दे करके आया। क्योंकि कहता है कि सर मैं 10 हज़ार मेरा कोई मायने नहीं रखता, अगर मैं 2 दिन दुकान बंद करता हूँ तो मेरा 3 हज़ार रुपये का लॉस तो ऐसे ही हो जाता है। तो मैंने जो काम मुझे सीखने को मिला या नहीं मिला वो बात छोड़ो, तो मैंने सोचा कि अगर इसके चक्कर में बार बार ऐसे घूमता रहूँगा उनके साथ में तो शायद मैं न सीख भी नहीं पाऊँगा, जो मेरा दुकान है वो भी बंद हो जाएगा। फिर उन्होंने मेरा वीडियो मिला, वीडियो के माध्यम से उनको बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानकारी मिली, तो उनको फिर से ऐसा लगा कि मुझे लगता है कि मैं सॉफ्टवेयर का काम कर सकता हूँ। तो वो फिर मेरे पास आए, मेरे मुझे फ़ोन किया, मुझे जानकारी ली और फिर दोबारा मेरे पास आए, और उन्होंने मुझे आते ही सबसे पहले बोला कि सर ये पैसे लीजिए। तो मैंने कहा सर किस बात के पैसे? कह रहे सर ये पैसे ले लीजिए और मुझे डोंगल दे दीजिए। मैंने कहा कौन सा डोंगल? तो कह रहे हैं मुझे UMT प्रो डोंगल दे दीजिए और डोंगल के मैं लूँगा, उससे मोबाइल फ़ोन को लॉक खोल लूँगा। तो मैंने कहा सर आपको डोंगल चलाना आता है? तो कह रहे हैं नहीं सर मुझे डोंगल चलाना नहीं आता, मैंने एक जगह सीखा हुआ है पहले। तो मैंने कहा सर आपको चलाना नहीं आता तो फिर आप कैसे खरीद रहे हैं? क्योंकि भाई कोई भी चीज़ ऐसी है जब तक आपको चलाना नहीं आएगा तो उसे खरीदेंगे तो बेकार है, अगर आपको चलाना ही नहीं आता। उन्होंने कहा नहीं सर कोई दिक्कत नहीं दे दीजिए। फिर बाद में उन्होंने सच्चाई बताई कि सर मैं आपका 15-20 दिन से महीने भर से सर मैं आपका वीडियो देख रहा हूँ, वीडियो तो काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ, लेकिन आपने जो सॉफ्टवेयर की सीरीज निकाली है इसके माध्यम से जो मैं आपका वीडियो देख रहा हूँ तो उस वीडियो से मुझे इतना समझ में आ रहा है, मुझे इतना लग रहा है, मुझे दिल से खुशी मिल रहा है कि मैं मोबाइल फ़ोन में सॉफ्टवेयर का काम फिर कर सकता हूँ, और अगर कोई कमी रहेगी तो मुझे लगा है तो सर मैं आपके पास आऊँगा, पूरी कंप्लीट ट्रेनिंग लूँगा और आपको फीस पे करूंगा, पूरा अच्छे से सीखूंगा, लेकिन आप फिलहाल मुझे अभी डोंगल मंगा दीजिए। तो उन्होंने अपना शायद 3800-3900 रुपये अपना डोंगल का पैसा पे कर गए और बोला कि सर मेरे सिस्टम में डोंगल इंस्टॉल कर दीजिएगा, पूरा चालू कर दीजिएगा, फिर मैं वहाँ बैठ करके मोबाइल फ़ोन में लॉक खोलूँगा, उसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम आएगी, फिर भी कोई दिक्कत आएगी तो मैं आ करके आपसे सीख लूँगा। तो देखिए सर मैं आपको एक छोटी सी मैंने आपको ये स्टोरी कहानी इसलिए बताई क्योंकि हमारे वाक्य पिछले 1-2-3 दिन पहले हुआ है और शनिवार को शायद वो सर आए थे, तो आए शनिवार या सोमवार को आए थे, आए मिल करके गए और मिल कर जाने के बाद सारा अपना इन्फॉर्मेशन मुझे बताया। तो मुझे भी बड़ी खुशी होती है कि सर अगर हम आप लोगों के लिए इतना सॉफ्टवेयर का जो वीडियो बना रहे हैं, इतना मेहनत से हम आपको वीडियो बना करके दे रहे हैं तो आपको वाकई में वो सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं। क्यों समझ में आ रही है? क्योंकि मेरे पास कम से कम 15-20 स्टूडेंट्स हैं जो इस तरीके से अपने ऑर्डर को मंगा चुके हैं, डोंगल मंगा चुके हैं, डोंगल के माध्यम से मोबाइल फ़ोन में अनलॉकिंग है, फ्लैशिंग है, ये काम करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आप भी अगर सॉफ्टवेयर रिपेयरिंग में अगर अच्छा काम करना चाहते हैं, सॉफ्टवेयर के माध्यम से पूरा कंप्लीट काम करना चाहते हैं, अगर खाली आप हार्डवेयर का काम कर रहे हैं और अगर सॉफ्टवेयर का काम नहीं कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता सर अगर आप पूरा काम नहीं कर पाएंगे तो आप अच्छे से कर पाएंगे। क्योंकि ज़िंदगी में जब भी देखो भैया हमारी गाड़ी चलती है तो गाड़ी हमारी 2 पहियों पर चलती है। दोनों पहिए का मतलब क्या होता है? मोबाइल फ़ोन की अगर बात करें, मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग की बात करें तो इंसान को हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों चीज़ों को आना ज़रूरी है। अगर उसको हार्डवेयर सॉफ्टवेयर नहीं आता तो समझ लीजिए उसको कुछ भी नहीं आता। मेरे पास समझ लीजिए ऐसे भी बच्चे सॉफ्टवेयर का काम सीख कर गए हैं जिन्होंने आज तक कभी ज़िंदगी में कंप्यूटर नहीं चलाया था, आज भी वो सॉफ्टवेयर का काम सीख कर गए हैं और सॉफ्टवेयर का काम सीख रहे हैं, बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। लेकिन ये इस चीज़ आपको डिसाइड करना है कि आपको पूरा काम सीखना है कि आधा काम सीखना है। मेरे पास तो बहुत ऐसे बच्चे आते हैं जो कहते हैं सर जी हमको खाली हार्डवेयर सीखना है, या बहुत ऐसे आते हैं कहते हैं सॉफ्टवेयर सीखना है। मैंने कहा अगर आपको एक चीज़ सीखना है तो अपना सीखो, मेरे से ना सीखो कहीं भी सीख लो, हमारे ना सीखने की बात नहीं होती, आप दुनिया जान में फिर कहीं से मत सीखो। क्योंकि अगर आपको ज़िंदगी में कभी पूरा काम नहीं आता तो आप समझ लीजिए बेकार है। हर एक आदमी ज़िंदगी में वो आदमी अपाहिज नहीं होता जो खाली पैर से ही अपाहिज हो या हाथ से अपाहिज हो, अपाहिज वो भी आदमी होता है जो ज़िंदगी में पूरा काम नहीं जानता। आपने अगर किसी चीज़ में हाथ डाला है और हाथ डालने के बाद अगर आप पूरा काम नहीं कर पाते तो इसका मतलब आप सीधी सीधी भाषा में आप विकलांग हैं, और उस विकलांगता का आपको बस खाली सर्टिफिकेट नहीं मिला है क्योंकि आप काम नहीं कर पाते। क्योंकि कस्टमर तो आपको भैया रिव्यू दे के नहीं जाता, कस्टमर तो ये कह के जाता नहीं कि भाई तुमको काम नहीं आता, बस तुम ये कहते हो कि यार मैं लॉक खुल जाएगा लेकिन फ़ोन छोड़ जाओ लेकिन कल मिलेगा तुमको। अब कल क्यों मिलेगा, कल कैसे होगा, इन सब बातों का आप जवाब खुद सोचेंगे और मुझे मैसेज करेंगे।
ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो मैंने आपको मेडिकल थंडर के बारे में आपको समझाया है, वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो में आपको समझ में आया, और अगर कोई भी प्रॉब्लम कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमारे नीचे स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर 6391711 6391211 इन दोनों नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इन पर या तो मेरे से बात होगी या तो अमित सर से बात होगी, जो आपको पूरा जानकारी देंगे, पूरा इन्फॉर्मेशन देंगे, ये कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो आपकी मदद करेंगे। और अगर आपको ट्रेनिंग लेना है तो भी आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। सीखने में मात्र 45 दिन का समय लगता है, पूरा ए से लेकर जेड तक सीख करके जाएंगे, ये मेरा आपसे वादा है। तो वीडियो में बने रहें, वीडियो को देखें, सीखने से पहले 10 12 15 20 वीडियो जरूर देखें, तभी आप ट्रेनिंग सेंटर को ज्वाइन करें। मेरा एक वीडियो देखने के बाद आप ज्वाइन ना करें, मैं आपसे कहना चाहूंगा आप खूब एनालाइज से ठोक बजा करके चेक करें कि 10 15 20 दिन अच्छे से देखें, वीडियो में समझ में आए, हमारा सिखाने का तरीका समझ में आए, हैंड स्किल समझ में आए, फिर उसके बाद ही ट्रेनिंग सेंटर को ज्वाइन करें। तो वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपको इतना मेहनत से अगर वीडियो बना करके देते हैं। अगर आप टाइमिंग की बात करेंगे, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, टाइमिंग दिखाता हूँ मैं अपने सिस्टम में। अगर टाइमिंग की बात करते हैं, देखिए दोस्तों, ये देखिए ये कितना टाइमिंग हो रहा है, 9:19 आज 10 तारीख है। हम आपको अगर 9-9, 10-10 बजे तक अगर रात में इतना वीडियो बना करके देते हैं, वो इसलिए बना करके देते हैं ताकि हम जो हमारे जो कमज़ोर भाई हैं उनको मदद मिले, वो कैसे काम करेंगे, वो काम करने के लिए खड़े हो सकें, एक अच्छे से मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग के योद्धा बन सके कि मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग कैसे किया जाएगा, काम करने का तरीका क्या है। तो हम आपको अगर सर इतना समय देकर के वीडियो देते हैं तो आप उन वीडियो को अच्छे से देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, ताकि आप जैसे और भी कई ऐसे भाई हैं जो अगर किसी तरह से परेशान है, कोई दिक्कत है, तो इन सब चीज़ों को ट्रेनिंग लेकर के अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।